कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज यहाँ पे हम ज़िला राजनपुर की तहसील रोजान के इलाके मीरापुर में यहाँ पे आए हैं, जो कि इस वक्त से सैलाब से शदीद मुतासिर है और चारों तरफ से पानी में घिरी हुई एक आबादी है जहाँ पे 400 घराने हैं। इस वक्त खुशी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहावलपुर से रजिस्टर्ड है, उन्होंने इन 400 घरानों के में से 100 घरानों के लिए राशन का इंतज़ाम किया, जो कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन की गई। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ पे मकामी तंजीम जो कि जिसको चौधरी इजाज़ साहब देख रहे हैं, अतिया वेलफेयर सोसाइटी को, जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से और बड़ी मेहनत से निशानदेही की और हम इस इलाके में आए। ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इन बच्चों को हम देख रहे हैं कि और इन बच्चों की सेहत के भी हवाले से बहुत सारे खदशात हैं, इन बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत सारे खदशात हैं। क्योंकि जब इस इलाके में हम आ रहे थे, हमने देखे कि इनके जो स्कूल हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, सेहत के मराकज़ तबाह हो चुके हैं, तो ये बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये बच्चों के बुनियादी हकूक़ हैं कि इनके हम इन बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें, इनकी तालीम का भी ख्याल रखें, इनकी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखें। और जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस को जितनी भी समाजी तंजीमें इसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आप इस तरह की जो फ्लड रिलीफ आइटम्स की प्रेपरेशन करें या फूड पैक्स बनवाएं, तो उसमें इन बच्चों की जो न्यूट्रिशन है उस हवाले से दूध, उसके बाद बिस्किट, अभी जूसेस भी हमने इनको दिए, तो वो भी ज़रूर इंतज़ाम करें ताकि इन बच्चों की जो मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज ना आएँ। और इसके अलावा मेरी गुजारिश है कि अभी ये रेस्क्यू और रिलीफ वर्क जारी है, तो इसके बाद रिहैबिलिटेशन जब फेज़ आएगा तो उसमें जो सरकारी और जो एनजीओ से वाबस्ता हमारे दोस्त हैं, वो भी सबसे पहले तरजीहन जो है वो इनकी स्कूलों की जो बहाली है उन पे काम करें, ताकि ये बच्चों की तालीम का सिलसिला दोबारा से शुरू हो सके। और आज हमने इस प्लेटफॉर्म पे इन बच्चों को ये भी बताया है कि जितने भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में जाके अपनी पैदाइश का इंदराज भी करवाएं, क्योंकि ये भी बच्चों के बुनियादी हकूक में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया।